अक्सर लोग मोबाइल को कहीं रख के भूल जाते हैं या उनका मोबाइल जो है वो चोरी हो जाता है, तो इस कंडीशन में डर बना रहता है कि कहीं उनका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो चोरी ना हो जाए या कोई उनके कॉन्फिडेंशियल डेटा का गलत यूज़ ना करे। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का CTP टेक्निकल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप अपने मोबाइल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने मोबाइल की लोकेशन को पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ इनकॉग्निटो मोड को ओपन करना है। आप शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ सर्च करना होगा फाइंड माई डिवाइस। फिर आपको यहाँ जो वाली लिंक मिलेगी जहाँ लिखा होगा फाइंड योर फोन, इसके बाद गूगल अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करना है जिसे आपने अपने फोन में भी लॉगिन करके रखा हुआ है, तो मैं उसको साइन इन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वो ईमेल आईडी डालता हूँ जो मैं अपने फोन में यूज करता हूँ। तो जब आप अपने फ़ोन की ईमेल आईडी को साइन इन कर लेंगे फिर आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब आपकी जो भी डिवाइस है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला होगा रिंग का, दूसरा होगा लोकेट का। तो जब आप रिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे फुल वॉल्यूम पे रिंग बजेगी चाहे आपका फ़ोन म्यूट ही क्यों ना हो। जैसा कि मैं दिखा भी देता हूँ, मैं जब अपने फ़ोन को रिंग करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन पे रिंगिंग टोन बजने लगी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अगर मेरा फ़ोन म्यूट भी होता तब भी मेरे फ़ोन पे फुल वॉल्यूम पे रिंगिंग टोन बजने लगती। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फ़ोन की लोकेशन को पता लगाऊं तो मैं लोकेट पे क्लिक कर दूंगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपको जो भी आपके फ़ोन की लोकेशन होगी वो आपको बिल्कुल करेक्ट बता देगा। तो इस तरह आप अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन चोरी हो चुका है तो आप अपने फ़ोन को यहाँ लॉक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने फ़ोन का जो भी डेटा है उसे आप इरेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने फ़ोन की जो भी लोकेशन है उसे पता लगा सकते हैं और अपने फ़ोन को रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।